नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शोभी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, पति पत्नी का विवाद जो है वो इतना हद से ज्यादा गुजर जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। अब कारण कुछ भी हो सकता है इसके पीछे, चाहे हो सकता है कि किसी प्रकार से पति की क्रूरल्टी हो या फिर पत्नी के द्वारा क्रूरल्टी करी गई हो। ज्यादातर जो केसेस आज सामने आ रहे हैं वो झूठे केसेस बहुत आ रहे हैं, यानी कि सेक्शन 498A का जो है वो ज्यादातर केसेस जो है वो झूठे आ रहे हैं। ये लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कई प्रकार के जजमेंट, कई प्रकार के वर्डिक्ट, कई प्रकार के जो जजमेंट्स वगैरह हैं वो आ चुके हैं। और इसी के चलते हुए जो है वो हमारे एक सब्सक्राइबर ने उन्होंने सवाल पूछा कि सर, मेरी पत्नी जो है तलाक देना नहीं चाहती लेकिन मैं उसको तलाक देना चाहता हूँ। कारण क्या है? क्योंकि उसने जो है वो अब तक मेरे माँ के साथ में कई बार मार पिटाई कर चुकी है। इसकी मैंने रिपोर्ट भी कराई है मम्मी के नाम से, और जब वो रिपोर्ट कराई थी उसके बाद हमने फैसला कर लिया था। फैसला इसलिए किया था कि भाई घर परिवार का मैटर है, ये ज़्यादातर आगे बढ़ ना बढ़े, क्योंकि ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो फिर आगे लड़ना पड़ेगा, लड़ने के बाद जीवन दोनों का खराब ही है। मैंने कई बार समझाया लेकिन अब जो है वो मेरी माँ को तो बदतमीजी मारपीट तो कर दी है, साथ में अब वो मेरे साथ भी करती है। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं जब माँ के साथ अत्याचार होता है तो मैं उसको देख नहीं पाता हूँ, और जब देख नहीं पाता हूँ तो फिर मुझे बुरा लगता है, तो मैं उसको उसका विरोध करता हूँ, उसको कहता हूँ कि तू ऐसा क्यों कह रही है मेरी माँ के लिए। क्योंकि वो गलत गलत गंदी गंदी गालियां बकती है। मेरी माँ की उम्र जो है वो लगभग 60 साल है और वो बुजुर्ग है, वो पेशेंट है जिसमें कि उसके घुटनों में दर्द रहता है और बीपी शुगर वगैरह कई चीज़ें हैं। तो माँ जो है वो अब सिर्फ बेड पर लेटी रहती है वो, तो उससे कहती है कि तुम उठ के काम करो, काम नहीं करोगे उठ के तो घर तुम फालतू की रोटी तोड़ रही हो, ये घर में तुम्हारा ठीक नहीं है, ऐसा नहीं, कल एक गलौच वगैरह सब कुछ भद्रता करती है। अब ये चीज़ें मेरे सामने आती है तो मुझे देखा नहीं जाता, मुझ पर रहा नहीं जाता, और जब रहा नहीं जाता तो मैं अपनी बीवी से भी कहता हूँ लेकिन बीवी वो मानती नहीं है, वो दो चार मुझे भी और सुना देती है और वो पूरे घर पर जो है वो कब्जा करके बैठी हुई है। इसी दौरान जो है वो इनका, इसने कहा कि मैंने कई बार, मतलब जब भी ये मैं ऑफिस चलाता हूँ तो मेरी माँ के साथ गलत अभद्रता करती है, कई बार मार पिटाई करी है, इसमें कुछ चोटें भी मेरी माँ को आई हैं, तो मैंने उसकी शिकायत भी करवाई, कंप्लेंट FIR दर्ज करवाई, लेकिन उसके बाद हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। और उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद हम दोनों फिर दूसरे साथ में रहने लगे, हमने सोचा कि ये सुधर गई होगी लेकिन ये बिल्कुल सुधरी नहीं, और ज़्यादा वायलेंट हो गई। और उसके बाद जो है ये ज़्यादा और ज़्यादा ऐसे काम करने लगी जिससे कि हमारा घर परिवार जो है वो हर समय अशांति, क्रोध और मतलब कलह घर में रहती है। हम सिर्फ 3 लोग हैं, मतलब मैं हूँ, माँ है और मेरी पत्नी है, अभी बच्चे नहीं हैं और अभी फिलहाल में ही शादी हुई है। तो इसके चलते हुए ये चीज़ें काफ़ी बढ़ रही हैं, तो बढ़ते हुए जो है मैं, मेरे पर रहा नहीं गया और मैंने अपनी पत्नी को कई बार डांटा भी है लेकिन वो डांट सुनती नहीं है, वो और ज़्यादा मेरे पर ज़्यादा वायलेंट हो जाती है। अब इस वजह से मैंने निर्णय लिया है कि मुझे इस पत्नी के साथ में नहीं रहना, क्योंकि जहाँ पर ना मैं सुखी रह सकता हूँ, ना मेरी पत्नी सुखी रह पा रही है, ना माँ सुखी रह पा रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये, क्योंकि घर में क्लेश जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और जिसकी वजह से मैं अपना जीवन सुखमय नहीं काट पा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए। तो अब इस दौरान जो है मेरी पत्नी मुझे तलाक देना नहीं चाहती है लेकिन मैं उसको तलाक देना चाहता हूँ, क्योंकि उसने जो है वो बहुत ज़्यादा गलत मेरे माँ के साथ में और मेरे साथ भी अब अभद्रता करती है, मेरे साथ तू तलाक करके बात करती है, मुझे गालियाँ देती है, लेकिन मैं अब जो उसके साथ रहना नहीं चाहता हूँ। तो सर सॉल्यूशन बताइए। अब बात आती है यहाँ पर कि ऐसी मैं से एक ये पति नहीं है, हो सकता है कि और भी पति हों, आप जो वीडियो देख रहे हैं हो सकते हैं आप भी इनमें से एक हों, आपके साथ इस तरीके से अभद्रता ना होती हो तो किसी और दूसरे वे से आपके पास में होती हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ में गलत हो रहा है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें ना करें मर्जी आपकी, लेकिन शेयर जरूर करें ताकि और ही पति जो है इस जो परेशानी से वो बच सकें। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि पत्नी से तलाक लेना है, पत्नी तलाक नहीं देना चाहती है। ऐसी बहुत सारी पत्नियां हैं जो ये कहती हैं कि मैं तुझे जीवन भर तलाक तो दूंगी नहीं, जिंदगी खराब करूंगी तुम्हारी और तुम्हारे साथ मैं रहूंगी भी नहीं। तो ऐसी पत्नी से छुटकारा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे समय पर, क्योंकि जीवन आपका अकेले नहीं गुजरेगा, आपको कहीं ना कहीं पति की रिक्वायरमेंट होगी, पत्नी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि बहुत लंबा समय है और इस लंबे समय में आपको अकेले जीवन व्यतीत नहीं हो सकता है। तो ऐसे समय में जो है वो पति ये सोचते हैं कि सर हमारी पत्नी तलाक नहीं देगी तो क्या हमें तलाक नहीं मिलेगा, ऐसा आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। आपको लड़ना होगा, आपको अपनी बातों को प्रूफ करना होगा, एविडेंस देना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सोचें मन में कि भाई हमारी पत्नी तलाक देगी नहीं तो हमें तलाक के लिए ना ही तो कभी रास्ता बनाना चाहिए और ना ही हमें कभी कोई केस उसके अगेंस्ट फाइल करना चाहिए, ये जो गलती आप करते हैं ये बहुत बड़ी गलती है।
यहां पर जो आपको लगता है, आप अपने मन से पूछिए, अंतरात्मा से पूछिए कि मेरी पत्नी के साथ मेरी बन सकती है या फिर नहीं बन सकती है, या पत्नी भी ये मन से सोचे कि बाकी मेरी मेरी अब इनके साथ गुजर सकती है, नहीं बन सकती है। जबरदस्ती के रिश्ते पति पत्नी के नहीं होते हैं। जबरदस्ती का मतलब आप अपनी जिंदगी तो नरक बना ही रहे हैं, साथ में दूसरे के भी बना रहा, चाहे वो आप पति हो पत्नी हो कुछ भी हो। और जो पत्नी ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और ना ही तुम्हें तलाक दूंगी, ये औरतों का एक हथकंडा है। और इस वजह से ही जो है पति पीड़ित हो जाते हैं। पति ये सोचते हैं कि वो तलाक देगी नहीं तो मुझे तलाक मिलेगा नहीं, ये गलत सोचते हैं आप। आपको कोर्ट से तलाक लेना है ना कि पत्नी से। आप कोर्ट में जाइएगा और उसकी जो भी क्रूअल्टी है, उसने जो भी जैसे माँ के साथ में नौ मार पिटाई कर रही है, माँ ने FIR तक दर्ज कराई है, और इसमें ये नहीं कि साहब माँ सास के साथ में क्रूअल्टी हो रही है, सास के साथ मार पिटाई हो रही है, तो सास ही पीड़ित हो रही है, उसका बेटा भी है। एक माँ ने अपने बेटे को किस तरीके से उसको परवरिश दी है, किस तरीके से उसको बनाया है, कितना पढ़ाया लिखाया है, किस तरीके से, मैं ये नहीं कहता बेटी को नहीं पढ़ाया होगा, बेटी को ही पढ़ाया होगा, लेकिन बेटी ने ये सीखा कहाँ से कि उसकी माँ को मारना, उसकी माँ को गाली गलौज करना, उसके साथ अभद्र व्यवहार करना, ये कहाँ सीखा है। तो ये आप मत समझिए कि आपकी पत्नी ही आपको तलाक देगी। आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट के सामने ये सारे एविडेंस रखें कि इस तरह की चीज़ें करती है। अगर कोर्ट को लगेगा वाकई कि हाँ ये है, और लगेगा नहीं, अगर आपके पास में वाकई एविडेंस है, तो आपको मैं कहता हूँ, मैं 100% आपको डाइवोर्स मिलेगा, तलाक मिलेगा, और ऐसी पत्नी से छुटकारा मिलेगा आपके लिए। लेकिन लड़ना आपको पड़ेगा। आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि कहीं ना कहीं इस दलदल में फंसे हैं, इस गलत चीज़ में फंसे हैं, तो हो सकता है कि आपको निकलने के लिए थोड़ा जोर लगाना पड़े, थोड़ा दिक्कतों या फिर थोड़ा तकलीफों का सामना आपको करना पड़े, लेकिन आप निकलेंगे ज़रूर। जो पत्नी आपके साथ जीवन व्यतीत नहीं कर सकती, छोड़िए, आगे बढ़िए, और जीवन में आगे रास्ते बहुत बनेंगे आपके लिए। क्योंकि ये मत समझिएगा कि, क्योंकि मैंने, मेरे साथ ऐसे क्लाइंट बहुत आते हैं जो मेंटली इतने हरास हो जाते हैं कि अपना वो मानसिक स्तर खराब कर बैठते हैं। वो एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल में और अपने आप को सोचते हैं कि मेरा जीवन नहीं रहा। अरे जो जिसने जीवन ऐसे खराब किया ना आपका, उसको ईश्वर देखेगा, भगवान वो देखेगा उसके लिए, वो उसको कहीं ना कहीं सजा देगा, आज ना तो कल। लेकिन गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी गलती है तो कहीं ना कहीं आपको भी दंड मिलेगा, और अगर गलती आपकी पत्नी की है तो पत्नी को दंड मिलेगा। क्योंकि ये चालाकी से या फिर आज के टाइम में पत्नी की कानून सुन रही है, तो ये ना समझे कि पत्नी कि मुझे, मेरी तो सब कुछ सुन रहे हैं, मेरी बात मान रहे हैं, तो मैं सबसे ज़्यादा सुप्रीम हूँ, उत्तम हूँ मैं ही। नहीं, आप आज गलत करोगे तो भविष्य में भगवान आपको कहीं ना कहीं जरूर आपको सजा देगा। इस तौर तरीके से नहीं देगा तो कहीं और तौर तरीके से देगा। उसके पास बहुत रास्ते हैं। अगर भगवान इस धरती पर ना होता तो पता ना बुरे लोग कितना बुरा अच्छे लोगों के साथ में करता। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो है इस अपनी हिम्मत ना हारें, और अगर आपके पास आपको नहीं रहना है, या फिर आपकी पत्नी इतनी क्रूर है कि वो उसके साथ जीवन व्यतीत नहीं हो सकता, जैसे मैंने आपको ये बताया जो हमारे सब्सक्राइबर साथ में हुआ कि उनकी पत्नी जो है माँ के साथ में मारपिटाई करती है, तो ऐसी पत्नी के साथ में ना रहना ही बेहतर है। अपना जीवन बनाइए, और अगर हो सके तो डाइवोर्स का केस फाइल करिएगा और तलाक उससे जरूर लीजिएगा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये मत डरें कि भाई मुझे तलाक नहीं मिलेगा, और या फिर कोर्ट तलाक नहीं देगा। आप अपने पहले एविडेंस इकट्ठा करिएगा, एविडेंस इकट्ठे करने के बाद फिर उसके बाद डाइवोर्स आप लीजिएगा। तो बस इतना करना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देख लें, आपसे बहुत धन्यवाद।